हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद माय अदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं मैं देहरादून रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों 90 दिनों से बंद देहरादून रेलवे स्टेशन में सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूँ क्या काम हो चुका है 8 फरवरी को ट्रेन चलाने लायक। तो 7 फरवरी को जो डेडलाइन पूरी हो रही है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और 5 फरवरी तक, सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ आपको, 5 फरवरी तक 3 और 5 नंबर के नए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों दो नए प्लेटफॉर्म जो कि बताया जा रहा है कि 3 नंबर और 5 नंबर इनको बना करके तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा पटरियां बिछाने का काम, पावर केबिन बदलने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है तो पावर केबिन भी बदला होगा और जो न्यू प्लेटफॉर्म बने हैं तो उनके लिए पटरियां भी बिछाई गई हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियां बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और 8 फरवरी को दून रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, ऐसा खबर लेटेस्ट निकल करके आई है। तो अब ये तो क्लियर हो गया ट्रेनों का संचालन 8 फरवरी को हो सकता है, लेकिन कितनी ट्रेनों का होगा और कब तक पूरी ट्रेनें चल पाएंगी आपको आगे जानने को मिलेगा। सबसे पहले और निर्माण क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ। यार्ड रिमॉडलिंग के बाद अब दून रेलवे स्टेशन पर कुछ प्लेटफॉर्म नंबर भी बदल दिए गए हैं। हुआ क्या है कि दो नए प्लेटफॉर्म जो कि बनाए गए हैं नई व्यवस्था के तहत, पुराने 1 नंबर प्लेटफॉर्म को ट्रेन खड़ी करने के लिए आरक्षित रख दिया गया है। मतलब रिजर्व रहेगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रेनों को सिर्फ रखा जाएगा, खड़ा करा जाएगा, एक तरह से शंटिंग। तो पहला नंबर का प्लेटफॉर्म नंबर जो हुआ करता था देहरादून रेलवे स्टेशन का, अब वो पहले नंबर का नहीं रहा, उसको ट्रेनें खड़ी करने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब पहला नंबर का कहां गया, तो अब सुनिए, पुराना 2 नंबर का जो था वो उसे अब रिमॉडलिंग करके 1 नंबर बना दिया गया है और जो पुराना 3 नंबर था अब उसको रिमॉडलिंग करके 2 नंबर बना दिया गया है और वॉशिंग लाइन और 2 नंबर के बीच में 3 नंबर प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। मतलब जो वॉशिंग लाइन होती है ट्रेन की, ट्रेन के लिए वो भी वहाँ पे है, बनाई गई है और साथ में वॉशिंग लाइन और 2 नंबर के बीच में 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर की दूसरी तरफ 5 नंबर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब 4 नंबर एज इट इज जो वहाँ पे पहले मौजूद था उसके दूसरी तरफ अब 5 नंबर भी बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब नंबर ट्रांसफर हो गए हैं, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स में चेंज आए हैं तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ अगले दिनों, कुछ आने वाले दिनों में। अभी जो काम होने बाकी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पुराना प्लेटफॉर्म था ना 1 नंबर रिजर्व जो रखा गया है उसको और 4 नंबर को और 5 नंबर को, इनके जो स्टेशन के जो शेड हैं वो बदलने बाकी है, जो ऊपर जो शटर होता है वो बदलने बाकी हैं। इसके अलावा जो पानी की सुविधा है, बेंच, प्लेटफॉर्म का सौंदर्यीकरण, मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो भी काम है वो धीमे धीमे चलेगा ट्रेनों के संचालन के साथ में। मतलब मेन जो बॉडी तैयार करनी थी रेलवे स्टेशन की वो तैयार कर दी गई है, तो ये काम आपको अब आपके आगे देखने को मिलेंगे। अब साथ में निर्माण डोईवाला स्टेशन में भी हुआ है, जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में डोईवाला पड़ता है देहरादून के नजदीक। अब यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म हो गए हैं, 1 प्लेटफॉर्म की जगह अब यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म हो गए हैं और इससे 2 ट्रेनों के आने की स्थिति में क्रॉसिंग के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए 1 ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता था, फिर 1 को निकाला जाता था। अब यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म होने की वजह से आराम से क्रॉसिंग के वक्त दोनों ट्रेनें आवागमन कर सकेंगी। रेलवे अधिकारी के मुताबिक 7 फरवरी से बहुत सारी ट्रेनों के जो रेक हैं वो दून स्टेशन पहुंच जाएंगे, मतलब कि कल। 8 फरवरी से नंदा देवी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दून नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस एंड मसूरी एक्सप्रेस, जो भी ये सब ट्रेनें आना जाना शुरू हो जाएगा 8 फरवरी से, ये बताया जा रहा है। और दोस्तों जो देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसका जो रेक है वो अम्बाला डिवीजन में अभी रखा गया है, वहाँ से लाने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस ट्रेन को 10 फरवरी से शुरू करा जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है। और साथ में 3 ट्रेनें जो हैं जैसे कि जनता एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस और उज्जैनी एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और इन तीनों ही ट्रेनों को अभी फिलहाल कोहरे के चलते जो कैंसिल किया गया है वो अभी कैंसिलेशन इसका चालू रहेगा। तो ये ट्रेनें आपको देखने को मिल सकती है जिनको मैंने ऊपर बता दिया आपको। और रेलवे स्टेशन के बारे में एक बात और आपसे करनी थी, जो नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं उनसे लेकर पुराने वाले तक पूरा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, साथ में उनको सीढ़ियों से कनेक्ट किया गया है, तो ये तो मुझे वहाँ जाके पता लगेगा कि ऑटोमेटिक एस्केलेटर लगे हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना नुकसान हुआ 90 दिनों में। दून रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड का, यहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, तो टूरिस्ट प्लेस भी है, तो लगभग 13.5 करोड़ रुपये का नुकसान रेलवे को हुआ है 90 दिनों के अंदर। अब निर्माण कार्य करना भी बहुत जरूरी था। देहरादून स्टेशन का जो टिकट और पार्सल बुकिंग है वहाँ से लगभग 1 दिन में 15 लाख रुपये की आय होती थी रेलवे स्टेशन को, तो ऐसे में 90 दिनों में लगभग 13.5 करोड़ का जो है लॉस हुआ है देहरादून रेलवे स्टेशन को। तो अब देखते हैं कि कितने जल्दी ये इस चीज़ को ओवरकम कर लेता है और रेलवे स्टेशन
जो मॉडर्नाइज हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे भी और रेलवे इसको आराम से पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ अभी रिलीज हो गई है, अब देखते हैं 8 तारीख को किस तरीके से ट्रेन चल पाएंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेन का टिकट किस तरीके से बुक हो रहा है, कौन सी वाली का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने रेल कनेक्ट ऐप खोल लिया है और देहरादून हरिद्वार के बीच में 7 तारीख करके देखते हैं, 7 तारीख करके पता लग जाएगा कि 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को भी कौन सी ट्रेन चल रही है। तो ये आपके सामने ट्रेनें आ चुकी हैं। सबसे पहले काठगोदाम लिंक एक्सप्रेस को देख लेते हैं, स्लीपर का। तो ये ट्रेन कैंसिल है 9 तारीख तक और इसके बाद 10 तारीख से ये ट्रेन चालू होने वाली है। तो ये ट्रेन भी 3 महीने से बंद थी लगभग। अब देखते हैं देहरादून एक्सप्रेस जो कि वाराणसी तक जाती है, ये ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल रहेगी। दोस्तों मसूरी एक्सप्रेस का देखते हैं, तो मसूरी एक्सप्रेस 7 तारीख को जैसे कि कैंसिल होनी चाहिए, तो 8 तारीख से दोस्तों ये सब चालू हो चुकी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 8 तारीख से ये ट्रेन चलने वाली है। अब देखते हैं अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस जो कि 7 तारीख के बाद 8 तारीख से चालू हो गई है। दोस्तों टिकट भी इसमें आराम से अभी बाकी हैं। अब नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये भी 8 तारीख से चालू हो गई है। उज्जैनी एक्सप्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंसल है, और देहरादून जनशताब्दी जैसे कि आपको बताया था मैंने 10 तारीख से ये भी चालू हो जाएगी अंबाला से, जब इसका रेक आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हिसाब है, और डेट बदल करके 8 तारीख भी अगर डालें तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन है कि नहीं। एक्स्ट्रा ट्रेन नंदा देवी एक्सप्रेस, ये ट्रेन 8 तारीख से चालू है और अभी टिकट बहुत बाकी है इसमें। कोटा जाने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधा भी है ये ट्रेन। दून एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस 8 तारीख से चालू हो जाएगी, अभी भी टिकट बाकी हैं और सब हमने देख लिए। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो पूरी तरीके से 8 तारीख से चालू है और टिकट अभी बहुत बाकी हैं। गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस, ये भी 8 तारीख से चालू हो जाएगी। उपासना एक्सप्रेस जैसे कि मैंने बताया था कैंसिल रहेगी, तो कैंसिल है। उत्तरांचल एक्सप्रेस, ये भी चालू हो गई आपकी 8 तारीख से। तो कुछ इस तरीके से हिसाब है दोस्तों, और आप बताइएगा आपको कौन सी ट्रेन में जाना था और आपके लिए कुछ सुविधा हुई कि नहीं हुई। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से जल्दी इस रेलवे स्टेशन का कुछ लाइव आपको दिखाएंगे, कुछ नया चैनल पर आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।